सभी का जम्मू तवी रेलवे स्टेशन में हार्दिक स्वागत। यह जम्मू तवी रेलवे स्टेशन है, यहाँ से आज की वैष्णो देवी यात्रा का शुभारंभ होगा और मैं आपको हर एक चीज़ की बारीकी से जानकारी दूंगा, किस रास्ते से जाना है, कौन सा बेस्ट रास्ता होगा, कैसे पहुंचना है, कहां बुकिंग करनी है। तो चलिए आगे मिलते हैं, धन्यवाद। रेलवे स्टेशन के आगे ही है बस स्टैंड है और इसके सामने JNK ट्रांसपोर्ट बुकिंग ऑफिस, यहां से आप टिकट ले सकते हैं। इसके साथ ही जब आप इस रोड को फॉलो करेंगे, यहाँ से रोड एग्जिट रोड है, इससे 50 मीटर आगे वैष्णो धर्मशाला, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का, जहाँ पर रहने की उत्तम सुविधा है, लेकिन उसके लिए ऑनलाइन आपको बुकिंग करना है। ये बसें इस रास्ते से बाहर निकलेगी। ये वैष्णो घाट, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का धर्मशाला, जिसे ऑनलाइन बुकिंग किया जाता है, जिसके लिए इस रास्ते से पहुंचना होता है। अभी हम पहुंचे हैं कटरा के चेक पोस्ट पर, जहां पे सारी गाड़ियों को जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा चेक किया जाता है। धन्यवाद उनका सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के। और यहां से आपको पहला दर्शन वैष्णो देवी का दूर से हंगम नजारा। यहाँ से आगे अभी हमें उस पहाड़ पे जाना है, बहुत ही सुहाना मौसम। चलिए आगे चलते हैं और आएगा रास्ता। और ये अभी हम पहुंच चुके हैं कटरा बस स्टैंड और ये कटरा मार्केट। यहाँ पे कटरा बस स्टैंड, ये हमारे साथी सभी ये वाला रास्ता इसमें भवन की ओर जाता है, जहाँ पे बाणगंगा वाला गेट है। पुराना रास्ता, इसी रास्ते से हम अंदर होते हैं। चलिए अभी बाणगंगा वाले रास्ते पे जाते हैं। ये सभी प्रफुल्लित मूड में माता के दर्शन के लिए। यहाँ पे सामान बाहर रखना होता है,
सामान अंदर नहीं ले जा सकते। और ये यहाँ पे से आपको जाना पड़ेगा, हम चलते हैं। और ये पहुँचे हम बाणगंगा रेस्टिंग पॉइंट, जहाँ से यात्रा शुरू होगी। यहाँ पर कार्ड चेक होगा, इसके उपरांत आगे गुलशन कुमार का ढाबा, और ये ऊपर वैष्णो देवी। इतनी यात्रा लगभग 15 किलोमीटर की पूरी करनी है। जय माता। और यहाँ पे घोड़ा पिट्ठू बुकिंग किया जा सकता है। इस प्रकार ट्रिस्टिंग पॉइंट से आगे निकलते ही यह पॉइंट है जहाँ पर से हम घोड़े पिट्ठू ले सकते हैं। ये सारे श्रद्धालु घोड़े उत्साह उमंग से चलते हुए इसके आगे ही गुलशन कुमार का ढाबा है, जिसमें भोजनालय लंगर है, जिसमें जाते हैं प्रसाद लेंगे और फिर आगे की यात्रा करेंगे। यहाँ से आगे काराकुटी मार्ग के लिए लिंक हो सकता है, और अगर सीधा जाएंगे तो यहाँ पे चरण पादुका बाणगंगा मिलेगी। लेकिन इस रास्ते में ये तारा को दिमाग में चरण पादुका और बाणगंगा दर्शन नहीं हुए, और इसी शॉर्टकट रास्ते से गुलशन कुमार जी का लंगर, जिसमें बेहतरीन स्वादिष्ट और शुद्ध भोजन आप ग्रहण कर सकते हैं। तो मैं अभी वहीं जा रहा हूँ गुलशन कुमार जी के लंगर में प्रसाद लेने। गुलशन कुमार लंगर में सभी प्रेम श्रद्धा से प्रसाद लेते हुए और यहाँ से फ्रेश होते हुए आगे की यात्रा जारी रखते हैं। स्वच्छता का विशेष ध्यान, धन्यवाद। और अभी हम पहुँचे हैं बाणगंगा। माना जाता है जब माता वैष्णो देवी यहाँ पे हनुमान जी के साथ आई थी, तो हनुमान जी ने बोला था कि माता मुझे प्यास लगी है, और माता ने फिर बाण चलाकर यहाँ पे गंगा को अवतरित किया था। तब से इसका नाम बाणगंगा पड़ा है। श्रद्धालु यहाँ पे गंगा में नहाकर पवित्र होकर आगे की यात्रा करते हैं। बाणगंगा में नहाते हुए श्रद्धालु अभी हम पहुंचे हैं चरण पादुका मंदिर। यहाँ की मान्यता यह है जब माता रानी ने यहाँ पर रुककर पीछे मुड़कर भैरव को देखा था, तो उस टाइम चरण के निशान यहाँ पे बन गए थे। उसी के साथ इस जगह का नाम चरण पादुका मंदिर के नाम से विख्यात हुआ। इसमें अंदर और भी कई मंदिर हैं, लेकिन मुख्यतः चरण पादुका मंदिर ये है। और ये अभी हम पहुंचे हैं अरब कुमारी, जहाँ पर माता ने गर्भ में नौ नंबर अभी चल रहा है, हमारा 600 बाकी वेट कर रहे हैं। यहीं से
नया रास्ता भवन जाने का आगे है जो गुफा रूप में है। ये यहाँ से हिमकोटी मार्ग से होता हुआ भवन में जाता है। यहाँ पे धर्मशालाएं हैं, इसमें रहने की व्यवस्था है, आदमी आ रह सकता है। और ये इस साइड से शीतला भवन की तरफ से जो रास्ता है, पुराना रास्ता है, हाथीमत्था से जाता हुआ, ये थोड़ा चढ़ाई वाला है, ये पुराना रास्ता यहाँ से पहले जाया करते हैं। इस प्रकार यहाँ पे काफ़ी वेट करना पड़ता है, तो अक्सर आदमी क्या करता है, जाते समय भवन जाते समय पहले यहाँ पे अपनी पर्ची बनवा लेता है, फिर भवन से यात्रा करके वापस यहाँ पे आता है और अपनी पर्ची का इंतजार करता है, उसके बाद इसका दर्शन करता है। इसके अंदर, इस मंदिर के अंदर गर्भ गुफा है, यहाँ पे माता 9 महीने रही थी। ये अर्धकुमारी से हिमकोटी के रास्ते हिमकोटी मार्ग भवन के लिए 5.5 किलोमीटर भवन है। बहुत ही साफ रास्ता, ये सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए है, इसमें कोई खच्चर नहीं चलते, और बैटरी गाड़ी से इसमें बुकिंग करके भवन तक जा सकते हैं। ये एक नया रास्ता बना, पूरा शेड है, रास्ते में पूरी एमिनिटीज़ हैं जो कि काफ़ी अच्छी हैं। फाइनली भवन में दर्शन करके ये भवन का नज़ारा रात में जगमगाता हुआ और भी सुंदर लगता हुआ। ये रोड वे यहाँ पे और इस प्रकार से पूरे यात्री पूरे वैष्णो देवी बहुत ही सुंदर दृश्य। तकरीबन 2 किलोमीटर की भवन से चढ़ाई करके पहुंच चुके हैं भैरव बाबा मंदिर। जहाँ पर माता ने आशीर्वाद दिया था भैरव बाबा को, जो भी यात्री माता के दर्शन करने आएगा वो यात्रा तभी सफल मानी जाएगी जब वो भैरव का दर्शन, यह वरदान माता ने प्रसन्न किया था। जहाँ पर यात्रा पूर्ण होती है